Assalamu alaikum everyone, how are you all? कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? तो गेटअप से तो पता ही चल रहा होगा बंदा राइड के लिए जा रहा है. तो ये मेरे राइडिंग गियर्स हैं. नई पैंट मैंने ले ली, नया जूता, टैंक बैग, ग्लव्स. और अभी क्या टाइम हुआ, टाइम क्या हुआ, 7 बजने को आ रहे हैं. मोहसिन भाई आ रहा होगा, तो ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी यहाँ का सीन ख़त्म, सीधे बाइक पे मिलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलो वाह, बदलाव से पक यार इनको सुल गए. अल्हम्दुलिल्लाह, टैंक बैग, फोन, ग्लव्स, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया. मोहसिन भाई घर के पास ही आ गए थे, जो कि अभी हम निकल नहीं रहे. सो गाइस, अपनी राइड स्टार्ट हो गई है. फ्यूल हमने टॉप अप कर दिया, मोहसिन भाई आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे. इन्होंने भी फ्यूल अप कर दिया, मैंने भी फ्यूल अप कर दिया. तो अभी हमें जाना है सीधे इस्लामाबाद. शराब मोहसिन भाई सीधे इस्लामाबाद, फिलहाल सीधे 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 इस्लामाबाद. कोई जगह है, नाम है छतपल, जो कि हमें पता नहीं था, कभी गए नहीं हैं. तो मोहसिन भाई ने बोला चलो आज वहीं चलेंगे. अभी तक हमने ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर कर लिए. वेजवारा क्रॉस किया ना हमने, वेजवारा क्रॉस किया हमने. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनंतनाग. अनंतनाग से मे बी ये प्लेस मटन से होके हुए जाती है जहाँ हम जा रहे हैं. वाओ, क्या व्यू है सुबह सवेरे का, ज़बरदस्त. येलो येलो डिटी फेलो. सो अभी हम गूगल मैप की वजह से पता नहीं कहाँ से घुस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जाना कहीं और है, हम कहीं और से घुस रहे हैं. कहाँ से कि कहाँ पहुँच गए पता नहीं, इस जगह का नाम भी नहीं पता. आराम से हाईवे में चल रहे थे, मज़ा आ रहा था. और यहाँ कोई आगे वो जो पुरानी वाली हाईवे है या इस्लामाबाद जाने का कोई मुझे वो क्या बोलते हैं अंदाज़ा नहीं है यार, कहाँ से घुस गए. पुराने ज़माने का ट्रांसपोर्ट जो यूजुअली आजकल देखने को नहीं मिल रहा है. और वैसे भी हम लोग यहाँ से बार बार तो नहीं आएंगे, इसलिए इस पल को भी एंजॉय कर लो भाई साहब. तो ये पहुँच गए हम इस्लामाबाद वाली हाईवे के बीच. इस्लामाबाद पाकिस्तान वाला इस्लामाबाद नहीं, अनंतनाग कश्मीर वाला इस्लामाबाद. और यहाँ अभी सब लोग सोए हैं, हड़ताल के साथ हैं आई गेस. टाइम क्या हो, 8:20 पास ब्रोट मैप की तय 8:20. और हम केपी रोड पे चल रहे हैं अभी. यहाँ से एक रास्ता सीधे सीधे पहलगाम के लिए जाता है, दूसरा पता नहीं है कोई जगह जो ये है जहाँ हम जा रहे हैं छतपल, वहाँ भी जाएगा. बट आई गेस वो मटन साइड से, क्योंकि जितना मैंने कल पढ़ा वो मटन के साइड से ही जा रहा है. वरना अगर मोहसिन भाई का इरादा बदल जाए तो चलो पहलगाम चलो. इसका एकदम मूड है कि नहीं भाई वहीं जाना है, क्योंकि पहलगाम हर कोई गया है. हाँ वो बात है. सो गाइस, हमने टर्न ले लिया है अपनी डेस्टिनेशन की ओर. और रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है, जंगल जंगल के बीच में से. हाँ अभी तक ठीक है, क्या पता यार आगे का किसने देखा यार. ऐसे मुझे इसमें भी मज़ा आ रहा है, जहाँ जा रहा है रोड चलने दे. हाइट भी अच्छी खासी ले ली इसने,
बहुत ट्रिकी रोड है भाई। यहाँ से सेब के बागात है, जबरदस्त है। अभी सेब का सीजन नहीं है, अगर सेब का सीजन होता तो दो चार उठा के ले आते, जबरदस्त ऐसे बुडर बुडर चौबीस रुपये। सुबह से पहला पैच ऑफ रोड का मिला और इसको मैं ऐसे कैसे जाने देता। देखो मोहसिन भाई, कोई कस्टमर वस्टमर मतलब फंस जाए आपके आइटम्स बेचने को, यहाँ और बहुत सारी दुकान है, दो तीन चार। ओके भाई चलो बैक टू नॉर्मल लाइफ। जबरदस्त ऐसे सीन तो बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट किया। वाह जबरदस्त जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बढ़िया सीन है भाई। अभी कितना दिखा रहा है? ओके अगर ऐसा ही रोड मिला तो मुझे लगता है 5 मिनट में हो जाएगा। तो गाइस हम लोग अभी चल रहे हैं, टी टू में थे तो अभी टी टू से हम निकले, मतलब प्लेस का नाम है जो ये जगह इर्द गिर्द है इसको टी टू बोलते हैं। तो अभी चल रहे हैं ऑफ रोडिंग, तो मोहसिन भाई आगे आगे मैं पीछे पीछे, जहाँ जहाँ मोहसिन भाई वहाँ वहाँ मैं, क्योंकि मैं पीसी के पास है और इसी को पता है, इसी को आगे रख दिया। कभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी बीच में आया था और ये और एक कोई गांव आया, हवाई हवाई। ओ जबरदस्त यार, यो रहा सीन जबरदस्त। तो हम लोग अभी पहुँचे हवाई, प्लेस कॉल्ड हवाई। मोहसिन भाई सही है सही है सही है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ आगे का व्यू देख रहे हैं यार, पहाड़ जबरदस्त, एक ग्लेशियर होगा। और रास्ता मतलब रास्ता इतना अच्छा है यार, मुझे भी नहीं पता था यार इतना अच्छा होगा। यार मैंने सोचा था गांव का रास्ता है, तो गांव का रास्ता तुझे पता ही है कैसा है, ये इतना अच्छा रास्ता, मतलब श्रीनगर में ऐसा रास्ता नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है ऐसा अच्छा रास्ता है। मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा श्रीनगर के रोड्स पे, फिर मैं दिखाता हूँ लोगों को रास्ता कैसा है हमारा, मतलब अपने घर से लेकर वर्क प्लेस को वही व्लॉग एक बनाएंगे और रास्ता देखेंगे उसी में रास्ता हमारा कैसा है। ये तो यार एकदम मक्खन है। सीरियसली बहुत बढ़िया। बजरी स्किड होने का खतरा। मतलब मैं सोच रहा था मैं कैमरा बंद करूं और मुझे कैमरा बंद करने के लिए मतलब ना वो मन ही नहीं कर रहा है, मैंने कैमरा ऑन ही रखा है। सो वी हैव रीच छतपा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। क्या हुआ भाई, मुझे आज पंप साथ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना पंचर हो गया। चलो यार चलते हैं यार, जब अब आए हैं एक्सप्लोर करने तो एक्सप्लोर ही करेंगे ना। बहुत बढ़िया यार, पीसफुल जगह है यार। हाँ भाई मैं तो आऊँगा यहाँ और वाह।
जबरदस्त। ओके तो इसीलिए तो इतना स्लो चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मतलब आगे लग ही नहीं रहा था मेरे को रास्ता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे बंद है बस। इस जूते में चलना आएगा तू देख रहा है। हम लोग पैरों से ऑफ रोड कर रहे हैं, बाइक से नहीं। Village life and Mohsin bhai's life. Mohsin bhai vlog udhar hi rakh diya, us bichari ne wapas la diya. Aapko yaad bhi nahi hota. Chalo shukriya, meherbani. ठीक है, अगर यहीं से वापस पहुंचेंगे खारपुर तो कोई तो शासन ये है। पानी का एक शॉट, अभी हम आए थे उधर से, अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। आए आए किस जगह से थे हम मौसम भाई? खारपुर। छत्रगुल से, तो अभी हम छत्रगुल से नहीं जा रहे हैं वापस, दूसरी जगह से जा रहे हैं। ये भी कनेक्ट कर लेगा, बीच में हमने वहाँ दरियाफ्त कर लिया। स्मेल जबरदस्त, कर रहा व्यू, व्यू क्या है यार, ऑसम व्यू। माउंटेन जबरदस्त, बर्फ से ढका हुआ। तो मोहसिन भाई अपनी कलाकारी दिखाते हुए, फोटोग्राफी। सो गाइस वी आर बैक इन इस्लामाबाद। So we just had our morning tea, 12:03 पे सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, खाली पेट राइड कर रहे थे। रश भी अच्छी खासी थी, तो अभी अब किधर पे जाए भी वो, ये क्या बोलते हैं संगम, यहीं पे, यहाँ भी सारा बंद ही आज हड़ताल की वजह से। तो अभी अब रास्ते पे बात करते हैं। हम अभी अब पहुंच गए कानपुर, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे फूल उगाए गए हैं या खुद उगे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ से ये पाइप साइज ऑल दैट मे बी इनकी वजह से ये खिले हैं। है तो ये सैफ्रॉन का फील्ड, सैफ्रॉन उगाया जाता है। बाइक उधर पीछे खड़ी हुई है, चाय हो गया सब कुछ, आज की राइड ऑलमोस्ट एंड को आ गई है।
अभी अब बस फोटोग्राफ्स कुछ क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से वापस घर की ओर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली राइड पे। तो गाइस अभी हम अब पहुँच गए बिल्कुल अपने घर के नज़दीक, हार्डली यहाँ से हमें 10 या 15 मिनट लग जाएंगे। तो इस आज की राइड को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी YouTube चैनल को और हमारे कश्मीर राइडर्स क्लब के Facebook पेज और Instagram पेज को भी फॉलो करें। और मिलते हैं अगली राइड पे, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारे Facebook, YouTube और Instagram के पेज को फॉलो करें। See you, ta-da!